तो दोस्तों आज हम ट्राई करेंगे महाराजा भोग थाली, प्रीमियम वेज थाली इनका। तो इनका बहुत सारा आउटलेट से मुंबई में, तो मैं इनके लोअर परेल की ब्रांच में आया था महाराजा भोग में, इनका प्रीमियम वेज थाली ट्राई करने आया था। तो मैं मंडे के दिन आया था, थोड़ा सा रश कम था। तो देख सकते हैं ये बिल्डिंग है लोअर परेल में, रेलवे कॉलोनी के पास में ही है ये। कुछ ऐसा एम्बियंस है इनका। कटलरीज भी देखिए प्रीमियम की है, प्रीमियम क्वालिटी की कटलरीज भी प्रोवाइड करते हैं खाने के लिए। और कुछ ग्रेट सा एम्बियंस है ये, एकदम रजवाड़े टाइप है। तो आप ज़रूर कभी गए तो विज़िट करना। तो ये हमारा वेलकम ड्रिंक आ चुका है, केसर शरबत था ये। और इनका एम्बियंस देख सकते हैं, मैं मंडे के दिन गया था तो थोड़ा सा रश कम था। अगर संडे सैटरडे आओगे तो थोड़ा सा गर्दी बहुत रहता है यहाँ पे। तो ये लोअर परेल का आउटलेट था, इनका मेन आउटलेट मुंबई का पुराना है, जुहू में है। तो मैंने केसर शरबत टेस्ट किया तो ये मुझे बिल्कुल ही बढ़िया लगा, ये वेलकम ड्रिंक दिया था उन्होंने। फिर हमारा स्टार्टर आ चुका है, इसमें था खांडवी था और एक आलू वटाना पैटिस था। तो हम एक एक करके टेस्ट करेंगे अभी। तो ये आलू वटाना पैटिस मैंने टेस्ट किया, मुझे बढ़िया लगा, हम इसे चटनी के साथ भी टेस्ट करेंगे। तो तीखी और मीठी दोनों भी चटनियाँ दी थी उन्होंने, तो मुझे बढ़िया लगा ये आलू वटाना पैटिस भी। अब ये खांडवी, खांडवी भी मुझे ऑथेंटिक जैसा टेस्ट पे रहता है, जैसे महाराष्ट्र में इसे सुरुली की वड़ी भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल ही बढ़िया था, सुरुली की वड़ी। तो ये बटर मिल्क आ चुका है हमारा, बटर मिल्क भी बहुत बढ़िया था, मुझे इनका बटर मिल्क बहुत अच्छा लगा, छाछ। और ये और एक था स्टार्टर्स में, ये दाल ढोकली। तो ये दाल ढोकली भी जैसा एकदम ऑथेंटिक होता है, टेस्ट भी वैसा ही था, तीखा नहीं था, बढ़िया सा था एकदम। इनका खाना बिल्कुल भी तीखा नहीं था, कि ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है तो लोग क्या करते हैं खाना तीखा बना देते, बट ये प्रीमियम क्वालिटी का था। तो चार टाइप की सब्जियां थी उसमें, एक पनीर की सब्जी और तीन अलग अलग सब्जियां रहती है, हर रोज़ का मेन्यू अलग रहता है इन लोगों का। तो इनका जो एज़ पर मैंने जो मेन्यू कार्ड देखा था उसमें लिखा हुआ था 30 दिन का मेन्यू अलग अलग डिसाइड होता है इन लोगों का। तो देख सकते हैं चार टाइप की ये सब्जियाँ थी, फिर रोटी थी, थेपला था और पूड़ी थी, और मीठे में था आम्रखंड था और जलेबी थी, केसर जलेबी। फिर दो टाइप की कढ़ी, दो टाइप की दालें रहती, तीखी मीठी दाल, तीखी मीठी कढ़ी। तो हम एक एक करके टेस्ट करेंगे। तो ये मैंने पालक पनीर टेस्ट किया तो मुझे बिल्कुल ही मस्त लगा ये पालक पनीर। तो मैंने इसे मेथी के थेपले के साथ भी ट्राई किया था। फिर ये छोले की सब्जी की थी तो छोले की सब्जी भी बढ़िया थी, मतलब इनका हर एक टेस्ट खाना बढ़िया ही लगा मुझे। तो चारों सब्जियां बढ़िया थी। तो आप ज़रूर कभी मुंबई आए तो ज़रूर ये महाराजा भोग थाली ट्राई करना। कॉस्ट थोड़ा हाई है बट प्रीमियम क्वालिटी है, तो आपको कॉस्ट भी उस हिसाब से मिलेगा बट खाना भी उस क्वालिटी का मिलता है। तो ज़रूर आप ट्राई करिएगा। फ्रायम्स भी दिए थे, तो मैंने ली थी मीठी दाल और मीठी कढ़ी। तो मैं मीठी कढ़ी टेस्ट करता हूँ, ये गुजराती कढ़ी है मीठी कढ़ी, तो बढ़िया थी। और दाल भी मीठी है मतलब गुजराती है, और तीखी दाल तीखी खड़ी मतलब राजस्थानी है, गुजराती और राजस्थानी थाली का मिक्सचर है ये। तो ये बटर मिल्क भी बढ़िया था। तो ये दाल खिचड़ी थी, मसाला राइस था और प्लेन राइस था। तो मैंने दाल खिचड़ी और मसाला राइस लिया था, तो ये दाल खिचड़ी भी अच्छी थी, ऑथेंटिक टेस्ट में थी। और मसाला राइस भी ना टेस्ट में इतना कुछ तीखा नहीं था, और ये सब ना असली घी में, प्योर घी में देते हैं और ऊपर से घी भी डालते हैं, तो टेस्ट में बिल्कुल ही बढ़िया था। तो अभी हम डेजर्ट ट्राई करेंगे, तो पूरी के साथ हम श्रीखंड आम्रखंड ट्राई करेंगे। जो महाराष्ट्र से उनसे पता है कि आम्रखंड या श्रीखंड जो है पूरी के साथ ज़्यादातर खाया जाता है, तो हम ये पूरी के साथ में ट्राई करेंगे आम्रखंड श्रीखंड। तो ये बढ़िया था, ये भी सब इन हाउस ही बनता है इनका जितना मैंने सुना है। और फिर थी केसर जलेबी, तो ये केसर जलेबी बिल्कुल ही मस्त लगी थी मुझे। जलेबी भी गर्मा गर्म कड़क थी, मस्त थी। तो इसका मुझे कॉस्ट गिरा था 699 रुपीज़ विद टैक्सेस। मैं मंडे के दिन गया था, मंडे टू फ्राइडे अलग कॉस्ट रहता है और सैटरडे संडे अलग होता है, लास्ट में 5।